15 साल सपोर्ट भइल नीतीश कुमार के भइल ना आप मुख्यमंत्री गति न पहिलो हां ना नहीं कर हो जाए ओ लग नहीं कर ना ओ लग नहीं मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं जी रोजगार के रंग नहीं रोजगार नहीं होता देश आगे बढ़ रहा हमारा देश आगे बढ़ रहा बहुत चीज़ों में देश हमारा बहुत ग्रोथ किया है ग्लोबल टाइम के अनुसार मोदी अभी विश्व के नंबर वन नेता बन रहे हैं मोदी 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 नीतीश बस बिहारी में बाढ़ बिहार के आगे कहीं नहीं कहा मोदी पूरा वर्ल्ड में बा फेमस पूरा भारत में बा विश्व में बा मोदी के डंका ही बाजी का लगा था नीतीश कुमार की मोदी 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 हाँ मोदी मोदी ना तो योगी जीतेगा मोदी ना तो योगी राजनीति नहीं ना करना है नेता ना चाहिए अब चोर चाहिए कि चोर घोटाला चोर अभी दोनों मिल गया है अब देखिए बिहार में क्या होगा साफा ले भी देगा बिहार को ये सब ठीक है मोदी जी ठीक मोदी सही है एकदम बिल्कुल सही विपक्षी एकदम नीतीश भी ठीक है मगर नहीं ना पहुँचेंगे 2024 में मोदी की नीतीश मोदी जी एकदम बिल्कुल पक्का घर घर मोदी हर हर मोदी नीतीश कुमार ना बिल्कुल नहीं मोदी बने में और दोबारा जन्म ले पड़ी मोदी एकदम मोदी बने में बहुत दिक्कत बा बहुत दिक्कत बा नीतीश कुमार बिहार के बेटा में कहानी को सपोर्ट करो उसको बोल सपोर्ट करे उस लायक है तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं हूँ आपके साथ रत्नेश पांडे आरा की धरती पे है धर्मन चौक है महादेवा रोड है साल 2024 का चुनाव नजदीक है और देश में इस वक्त नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं दिल्ली जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जा रहे हैं बंगाल जा रहे हैं और मोदी एक तरफ खड़े हैं एक तरफ पूरा सातों दल है सातों दल के साथ साथ देश का तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहा है और मोदी मैदान में अकेले खड़े हैं कौन जीतेगा 2024 में पटना माफ कीजिएगा आरा की जनता से बातचीत करेंगे 2024 में नीतीश कुमार की मोदी 2024 में मोदी नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार के लड़के हैं वो बिहार के आदमी है कुछ नहीं आप बताइए आपके क्या राय है बाबा क्या लगता है मोदी की नीतीश अरे मोदी के तो नाम बोल रहे भैया नीतीश अब चलिए नीतीश कुमार ना जीती है अब का जीतते रही हन प्रधानमंत्री ना बनिए नीतीश बनाव जा जवन करा जा पूरा के करा के बनाए मोदी के नीतीश के अब जे बन जाओ जरा भाग तकदीर हो ना भाग तो रोड़े तय कर मुँह ऑडियंस जनता तय कर ना बुझाला भैया ना बुझाला चली और भी लोग भाई यहाँ से बात कर लिए भैया क्या लगता मोदी की नीतीश 2024 में नीतीश कुमार तो अपना आप प्रधान मुख्यमंत्री निखन बन सकत अपन बल पर तो प्रधानमंत्री बनी नरेंद्र मोदी सात गो विपक्षी दल भी एकजुट बा सात गो दल बिहार के बाद इस गो हो जी हन तो नो पना हरे हन मोदी जीत जी हां जीती हन कहत लो महंगाई बा हई बा हउ बात कैसे जीत जी नीतीश कुमार महंगाई कम कर दल बरन बिहार में सबसे ज्यादा बिजली एरिया महंगा बा आउ का बा दारू बंद बा बिहार में नीतीश कुमार यही तो करी हन प्रधानमंत्री बनी हन तो कहन दारू बंद ना हो दहेज बंद ना हो नीतीश कुमार अपन बल पर सीएम बन सकत रहन कि प्रधानमंत्री बनी हन बनी हन सात गो दल बानू उनका साथे सात गो दल उखाड़ ली नरेंद्र मोदी अकेले काफी बड़न अकेले काफी बड़न जीत जी हन अगला बार से बहुत ज्यादा सीट है कितना सीट मिली रूढ़ा अनुसार 300 पार 350 पार 300 पार अब की बार 300 पार हाँ 350 पार 350 पार जी चलिए चाचा क्या लगता नीतीश की मोदी ना भाई मोदी कतनो दुख बा कतनो तकलीफ बा जनता जाके सब समझता सहली ही लेकिन मोदी के देवे करी काहे सहज काहे सहज कहता है मोदी ईमानदार विश्वासी बणन और कर्मठ बणन काम करत रहन हिम्मत है उनका उनमें बहुत सा प्रकार के शक्ति बा कांग्रेस के भी ना रहे कांग्रेस पूरा ऑल इंडिया ना घूमत रहे कांग्रेस ऑल इंडिया के ना मिलावत रहे पाकिस्तान जो बा सबसे डराते रहे ऐसे मोदी जोन बा आदमी चाहता मोदी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा बड़ा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव राहुल गांधी सब जन एकजुट बल वो से कुछ ना फर्क पड़े ना कोनो फर्क ना हो मोदी एकदम आई है आई हाँ की बार कितना पार बहुत ऊपर जाई मोदी सोचे कि नहीं क्यों मानता रूड़ा का मानता बन बहुत ऊपर जाई बहुत ऊपर जाई एक सोचले ना होई कोई भविष्य नीतीश कुमार तो खुश बने कि हम पीएम बने और कुछ ना बने लायक बड़न कि बनी हन काहे नहीं खने तरह तो दिन तो बिहार में काम कमजोरी बा उकरा में शराब बंदी दहेज बंदी सब चलता सब चल रहल बा क्राइम से लेके शराब तराब दुनिया जहान सब चल रहल बा हां उनका फुर्सत बा जनता के देखे के जनता के फुर्सत नहीं के खाली चापलूसी तो बा
होने के बाद होने होने के बाद होने यही सब तो बात रहेगी। मोदी जी हमारे देखा देखी रोजगार देता रहे कुछ हो ना, मोदी के सामने उबाड़न कुछ हो कुछ हो नहीं। मोदी के देखा मोदी बने में और दोबारा जन्म ले पड़ी मोदी एकदम मोदी बने में बहुत दिक्कत बा, दिक्कत बा भी बहुत दिक्कत बा। नीतीश कुमार बिहार के बेटा कहा नहीं को सपोर्ट करो, उसको बोल सपोर्ट करे उस लायक है नहीं है ओनली पर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी और कहीं नहीं कुछ है। अच्छा कितना आपकी बार कितना पार जितना निकल जाए बस बनने से मतलब है, निकलना चाहिए कितना निकल जाए क्या लगा था भैया मोदी की नीतीश कुछ हम लोग के तो रोजगार चाहिए, रोजगार रहे तो सब चीज रहे, कोई ना जे रोजगार दी वो करे विषय राहुल गांधी जो कोई हम कहते ना रहे जो रोजगार क्या लगा था मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए, मुख्यमंत्री योगी जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। नीतीश कुमार कुछ नहीं करता है, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है अपराध को कम कर दिए, नहीं हुआ है अपराध कम, कम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। योगी जैसा चाहिए यहाँ भी, योगी जैसा, योगी जैसा चाहिए यहाँ भी। भैया क्या कहते सही बात कर रहे के प्रधानमंत्री बने बात बोले हैं सही बात है, प्रधानमंत्री के बनी क्या बात बोले हैं वे वही है भाई मोदी मोदी कहे हो बस भैया अपने बात कहे गए एकदम ओकर बात करे को बस आए नीतीश कुमार बिहार के बेटा हुए सपोर्ट कहे नहीं करते माने जनता मोदी दिल में बड़ा दिल में बड़े बस नीतीश कुमार दिल में नहीं का सपोर्ट भइल हूं 15 साल सपोर्ट भइल हूं नीतीश कुमार के भइल ना आप मुख्यमंत्री कहते हाँ नहीं खन हो जाए नहीं खन एकदम बहुत सारा दिक्कत बा भैया बतैले भैया बतैले हमरो वही लगाता जो भैया बोले वही लगाता हमरो नहीं है लायक नहीं खन क्या लगाता मोदी की नीतीश अगला बारी 2024 में मोदी जी बोल रहे उनके आगे के बा नीतीश कुमार बड़े ना नीतीश का हमन का हमन बिहार के मोदी का हमन मुख्यमंत्री हमने के नाम मोदी नीतीश मानी भैया ना ना कुछ मुख्यमंत्री रहले 15 साल कहा दे दारू तो बंद बा मुख्यमंत्री जी दारू बंद कैले बड़न आ घरे घरे मिलता सब मुख्यमंत्री के काम हो सब विपक्षी एकजुट हो गइल बा और विपक्ष के होके दे आ लोग मोदी को उखाड़ फेकम सब अच्छा तो हमनी के तो बानी जानू के मोदी को उखाड़ फेकी तनी हमनियो के अपन बोल लगाइम जे मोदी जी खातिर समझ गेली आपकी कितना पार हैं कितना पार 300 पार हमारा बहुमत चाहिए कितना पार ना चाहिए जेकरा भूखे के बाबू भूकत रहे हेतना पार होतना पार हमारा जितना में सरकार बने के चाहिए उतना चाहिए। अच्छा एगो बात बताई चाचा कि हई लोग के का दिक्कत बा सात जना एक एकजुट हो गेल बोलो कतले मोदी के उखाड़े फेंके के बा भैया सब कोई कहला सुनू 75 साल 70 साल 80 साल से कहला सुनू अब मोदियो बेचारे के देख ले बोल जाओ करता ही नू बड़न विदेश में हमनी के सर ऊंचा बा सब का विदेश जाए वाला हम सब बिहारे में खाली वही तालाब में घुलमुरियाई लगे समझ गए नीनू आ मोदी जौन बड़न उ समुन्द्र में छलांग लगा वाला बड़न तो नीतीश कुमार फिर का एक बार और बेचैन भइल फिर बेचैन होके दी बेचारे के एगो लइका बा बेचारा के का करी है अब का करी है रहे दी है का लगाता हो लइका इंदू नीतीश नीतीश प्रधानमंत्री नीतीश बनिए बिहार के आदमी कहेंगे अच्छा तब से कहेंगे काबिलियत नीतीश में एकदम की ताकत लगा पियक्कड़ है दारू बंद है दारू सरकार होगा नीतीश का सरकार दाम कोई नहीं रोकेगा भारत में अरे सुनो ना क्या कहले नीतीश आव का तो भैया नीतीश की मोदी चलिए और कुछ युवा है नीतीश की मोदी क्या है देख नहीं रहे हैं क्या है आगे आ जाइए थोड़ा सा आगे नहीं रहे मालिक है कोई कुछ कर ले मोदी जीतेंगे 2024 में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे चलिए चलिए आ रहा की बिहार में दारू बंद कर दिए तो भारतों में दारू बंद होगा का है कुछ है ना बिजनेस है ना कुछ है यहाँ बिहार में दारू कहाँ बन रहा है बिहार में दारू बन नहीं के होम डिलीवरी हो गया पहले दुकान पर जाना पड़ता था अब नहीं स्कूल के बच्चा बैग में दारू लेके जाता रहा इंसान मैं बच्चन के जीवन खराब है शिक्षा है अब शिक्षा नहीं है अभी दारू है सब लेडी जा रही है दारू बेच रही है सब दारू नहीं बेच रही है बिहार की संस्कृति को बर्बाद कर दिया है नीतीश कुमार ने
बात साफ है, लड़की से करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है लड़की से, सब करवाया जा रहा है, लड़का सब करवाया जा रहा है, सब दारू बेचवाया जा रहा है, बहुत बड़ा बात है, सब बर्बाद है, सब स्कूल का लड़का जितना छात्र सब जगह बेचवा रहा है लोग दारू, हाँ सब माफिया लगा है, सब दारू के बैग में, स्कूल का बैग में भर भर के बच्चा सब जा रहा है। तो देखिए आरा की जनता है और इन्होंने कह दिया कि अब की बार 300 पार सर मोदी की नीति 24 में। कौन लग रहा है, क्या लग रहा है, ये बताइएगा, मोदी की नीति सौ, मोदी की नीति 24 में, नीतीश। चलिए और भी लोग इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है भैया मोदी की। अरे भाई हम लोग काम करें, मोदी जी हैं, मोदी जी हमेशा जीतेंगे, मोदी जी को कोई खड़ेगा। नीतीश कुमार फेलियर है, सब फेलियर है, कितनों जुटा ले सब फेलियर हो जाएंगे। देखिए आपके कचौड़ी की दुकान का नाम बताइए। नाम नहीं है, बिना नाम का है। देखिए भैया आरा में है और ये जो चौक है धर्मन चौक, इस चौक पे कचौड़ी के दुकानदार वाले भाई हैं और काफी फेमस है और ये भी चाहते हैं कि मोदी जो है अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है भैया मोदी नीतीश। आप युवा हैं, आप अच्छे से समझते हैं चीजों को, रोजगार के मुद्दों पर, जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं जी, रोजगार के अंदर नहीं, रोजगार से नहीं होता, देश आगे बढ़ रहा है हमारा, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत चीज़ों में देश हमारा बहुत ग्रोथ किया है। ग्लोबल टाइम के अनुसार मोदी अभी विश्व के नंबर वन नेता बन रहे हैं। अच्छा, जो कि उनका सपोर्ट, उनका कहना एक ही है, सबका विकास सबके साथ रहेगा। अच्छा। तो देश भी आगे बढ़े, साथ में हमारा भी विकास होगा, हमारा भी रोजगार मिलेगा। ऐसा है कि बिहार गवर्नमेंट का बात करें तो बिहार गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी एग्जाम SSC जो होने वाला है, UPSC वाला, उसमें भी 1,00,000 कुछ रोजगार मिलने वाला है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं, जब से मोदी आए हैं तब से भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो चुका है। जैसे हमारे RK सिंह आराम है जो सांसद है, भारत के पहले मतलब बिहार इतना डेवलप नहीं था, जो अब हो चुका है बहुत चीज़ों में, जो कुछ ट्रेन का स्टॉपेज जो आरा में नहीं था, लेकिन अब से संपूर्ण क्रांति हो गया। अर्चना एक्सप्रेस चले, पहले इसके बारे में कुछ सोचा है नहीं, लेकिन RK सिंह सोचे इसके बारे में। आरा का रमना मैदान जैसा कि 12 करोड़ कुछ पे आया इसको डेवलप करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, इससे पहले इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से मेरे पूरे परिवार का वोट उनके लिए ही रहेगा, मोदी के लिए। सही है एकदम, नीतीश कुमार और सारा विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं, बिहार के बेटा है नीतीश कुमार, क्यों नहीं सपोर्ट? देखिए हम नाश्ता करें, इसका बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, नाश्ता कर ले, इसका जवाब देंगे, नाश्ता करके बताइएगा। तो चलिए आरा में है और आरा की जनता ने बता दिया कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। अन्य भी तमाम खबरें लगातार हम आपको देंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं रुके हुए हैं बातचीत करने के लिए ही। क्या लगता है 2024 में मोदी की नीतीश? मोदी काहे मोदी? नीतीश बस बिहारी में बाड़न, बिहार के आगे कहीं नहीं कौन, कहीं नहीं कौन। मोदी पूरा वर्ल्ड में बा फेमस, पूरा भारत में बा, विश्व में बा, मोदी के डंका ही बाजी। तो नीतीश कुमार बहुत तरह की अरे पहले जंगल राज खत्म करस ने, ओकरा बाद प्रधानमंत्री के सपना देखियन, खाली ममता बनर्जी से मिलत रहे, अरे पूरा संसार के नेता सब एक तो तरफ हो जाए, मोदी सिंगल एकदम पूरा अंधभक्ति, अरे मोदी सिंगल, जब तक मोदी उसके बाद योगी योगी को बिठा दीजिएगा। चला जाता हो, बस हो गई, भाषण दिया गए, चाय वाला ना तगाए वाला पलटू चचा ना चाय वाला ना तगाए वाला। बिहार के बेटा हूँ, सपोर्ट ना करबो? अरे बिहार के बेटा तो हो बड़ा, इनको मंत्री बना दो जाए, इनको मंत्री बना दो जाए, बिहार के यो ना बेटा बड़ा, इलेक्शन लड़ा बना दिए, चल भाई इलेक्शन लड़, कहा ना लड़ रहा है, बताओ ऑनेस्टली बताओ, क्या लगा था नीतीश कुमार की मोदी जीतेगा, मोदी ना तो योगी के बने पा, हाँ अगला प्रधानमंत्री योगी, हाँ काहे हो उतना बाट है, सक्षम बढ़े नीतीश कुमार सक्षम नहीं का ना ना पलट जहन पलट जी मान लो पाकिस्तान जो युद्ध भला पलट गेलन तो पलटू चाचा बाड़न हो पलट जहन हो मान लो अभी BJP के सरकार में RJD के सरकार में चल जात रहन पलट जात रहन आ कहीं युद्ध उद हो गई आ कहीं भारत से सीधा पाकिस्तान में मिल जन तब का होई होई कि ना होई तब नीतीश कुमार का है दिक्कत बहु का दिक्कत कर देले पलट जी हैं बार 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 पलट ही हैं क्या कहा था भाई मोदी की नीतीश मोदी मोदी भैया मोदी हाँ चोर के साथ नहीं देना है
लालू यादव 6 साल जेल काटे चारा घोटाला में और फिर उनके लड़का के साथ जाके मिल गए, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ बिहार में चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री, हाँ बुलडोजर, हाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और अतीक अहमद मारा गया तो बिहार में राजनीति शुरू हो गया, सपोर्ट करने लगे उसको। अरे भैया यहाँ पे राजनीति नहीं ना करना है, नेता ना चाहिए, अब चोर चाहिए कि चोर घोटाला चोर, अभी दोनों मिल गया है। अब देखिए बिहार में क्या होगा, साफा ले बीतेगा बिहार को। ये सब कहाँ रोजगार है, रोजगार गली गली दारू चरा दिए, फिर बोल रहे हैं कि दारू बंद, असला दारू बीच रहा है, कहे नहीं गली गली दारू मिल रहा है, होम डिलीवरी दारू का हो गया है। अच्छा ना बात है, दारू बंद हो गया है तो। अरे बंद कहाँ हुआ है, चालू है। आप फोन कीजिए, होम डिलीवरी आएगा दारू, क्या मिल जाएगा अभी, कहे नहीं मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। अरे भैया पैसा देबो तो कहाँ ना मिली, सब मिलता, सब चालू बाटे, सब चोर है, चोर है, वो सब चोर है। पिएगा मरेगा, पिएगा मरेगा कैसे, तब आप ही ना गली गली दारू क्यों बटवाए, गली गली दारू नहीं ना बटवाना चाहिए था, चालू रहता नियम कानून रहता तो आप कोई मरता, दिसंबर महीना में 80 से 90 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, कैसे मर गए, बोलते हैं कि जहर वाला पी रहा है। अरे साला चालू रहता तो कोई जहर न पीता, नहीं ना पीता, पैसा महंगा अपना लगाता, 20 रुपए महंगा, 100 रुपए महंगा लगता, अपना बढ़िया दारू पीता ना। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मोदी की नीतीश 2024 मोदी जी रहेंगे भाई, हाँ लीजिए। अरे मोदी है, अरे भाई काम अच्छा करते हैं, जातिवाद नहीं है, ठीक है। मोदी जी ठीक, मोदी सही है, एकदम बिल्कुल सही, विपक्षी एकदम नीतीश भी ठीक है, मगर नहीं ना पहुंचेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की सरकार चला रहे ना भाई। चलिए चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आरा की जनता क्या सोचती है 2024 में योगी की, मोदी, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए लिट्टी का और कचौड़ी का दुकान है, यहाँ पर भीड़ है। एक और भैया है, भैया 2024 में मोदी की नीतीश, मोदी जी एकदम बिल्कुल पक्का, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, नीतीश कुमार ना, बिल्कुल नहीं, क्यों नीतीश कुमार क्यों नहीं, अरे आप सामने दिख रहे हैं क्यों नहीं, इसको पूछ रहा है मजबूत कर रहे हैं, घूम के आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भैया मोदी की नीतीश 2024 में, मोदी की नीतीश, मोदी का ही चांस है सर, मोदी का ही चांस है, नीतीश के क्यों नहीं है। देखिए नीतीश जी शुरू में जब आए हैं तो वो 5 से 10 साल काम बहुत अच्छा किए हैं, इसमें नो डाउट, अभी भी कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से बिहार को अभी डेवलपमेंट चाहिए उसमें सेंट्रल का बहुत बड़ा भूमिका रहना चाहिए। जो अभी एक दो मतलब मिली जुली सरकार जो भी कही या गठबंधन की सरकार से पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम एक गवर्नमेंट आएगा, और ख़ास करके अभी सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है, अगर ये गवर्नमेंट आता है तो बिहार को बहुत ऐसे चीज़ से आगे लेके निकालेगा, उभारेगा और आगे लेकर जाएगा। नीतीश कुमार बोल रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। देखिए कहना किसी को, कहना किसी को, बोलना कुछ भी कहे के, अभी तो चुनावी, अब जब चालू होगा तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेगा, तो जनता को अब देखना है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, जनता को तय करना है किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं। क्या लग रहा है मोदी नीतीश 2024 में, मोदी जी, सिर्फ मोदी, पुरान भक्ति है मोदी का, मोदी जी, क्यों मोदी इतना खास, पिछले भी इलेक्शन में देखे आप मोदी जी का बहुमत, आपके फुल बहुमत से आएंगे, कितना पास रहेगा आपके, फुल, पूरा फुल, फुल, किसी का आप सपोर्ट नहीं होगा, किसी का सपोर्ट नहीं होगा, नीतीश का नहीं करेंगे, नहीं, क्या है नीतीश दल बदरू आदमी है, दल बदरू आदमी है, हाँ कभी भी बनते दल बदल लेंगे क्या, नहीं वो उसका नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेगा, मुख्यमंत्री लायक अब नहीं है प्रधानमंत्री, आप सोचते हैं तो विपक्षी एकता कुछ नहीं होगा उसका, उसका बिहार से भी पत्ता खत्म, उसका कुछ नहीं होगा, मोदी जी फुल बहुमत से आएंगे, फुल बहुमत, हाँ एकदम। चलिए तो आरा की जनता ने बता दिया है कि 2024 में कौन बनेगा, ऐसे ही तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।